और बड़ी खबर कीव के पास बुचा में हुई बर्बरता से जुड़ी, जहां पर अमेरिकी मीडिया का यह दावा है कि रूस ने बुचा पर कब्जा जमाने के कुछ ही दिन बाद ही वहां पर कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद सबूत के तौर पर 19 मार्च की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, जिनमें बुचा की सड़क पर लोगों के शव पड़े हुए नजर आए। यानी दावा किया गया है कि रूस बुचा से निकलने से कुछ दिन पहले नहीं बल्कि हफ्तों से वहां पर नरसंहार कर रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधी देशों के खिलाफ एक नई चाल चल दी है। प्रतिबंधों पर रूस का रवैया अब भी नरम नहीं पड़ा है। इस बार पुतिन ने एक ऐसा दाव चला जिसका सीधा असर प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों के नागरिकों पर होगा, क्योंकि उन्हें रूस का वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक रूस का यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ वीजा के नियमों पर एक समझौता था। समझौते के तहत यूरोप के देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना आसान था। इसे सिंप्लीफाइड वीजा अग्रीमेंट कहा जाता था, लेकिन पुतिन के एक दस्तखत से वो समझौता रद्द हो गया। खास तौर पर ऐसे मुल्कों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए। उन मुल्कों पर भी ऐसी ही कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे प्रतिबंधों का समर्थन किया। रूस ने पहले ही ऐसे 31 देशों की लिस्ट बनाई थी जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक प्रतिबंध रूस पर या तो लगाए थे या उनका समर्थन किया था। ऐसे देशों को रूस ने अनफ्रेंडली कंट्रीज का नाम दिया था। पहले गैस के बदले रूबल वाला नियम भी ऐसे ही मुल्कों पर लागू किया गया था। दावा है कि अभी केवल आसान वीजा वाला समझौता रद्द हुआ है, लेकिन इसके बाद सख्ती बढ़ाई जाएगी। माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों के बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। उधर अमेरिका ने दावा किया कि उसके साथी देशों की एकता और यूक्रेन से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब से बौखलाकर पुतिन ने जंग की अपनी रणनीति ही बदल दी है। अमेरिका के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन ने चेतावनी दी है कि रूस की सेना अपनी पोजीशन बदल रही है और उसका नया फोकस यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण है, जहां वो कई गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका के NSA जैक सलिवन ने दावा किया कि रूस की कोई सोची समझी चाल नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया कदम है। उन्होंने कहा कि रूस ने कीव पर कब्जा जमाने, ज़ेलेंस्की सरकार को गिराने और यूक्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए उस पर हमला किया था, लेकिन ऐसे बड़े बड़े टारगेट सेट करने से पहले उसने यूक्रेन की सेना की ताकत और उसे अमेरिका और उसके साथी देशों से मिलने वाली मदद का अंदाजा ही नहीं लगाया। रूस ने उन्हें हल्के में लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुतिन को यूक्रेन से जंग छेड़ने के अपने असल मकसद को तिलांजलि देनी पड़ी और अब उनकी नज़र यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर है। Russia is repositioning its forces to concentrate its offensive operations in eastern and parts of southern Ukraine. लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने चेताया कि रूस के पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर फोकस करने का मतलब ये कतई नहीं है कि यूक्रेन के बाकी इलाकों में शांति हो जाएगी। अमेरिका ने दावा किया कि इस दौरान रूस कीव, ओदेसा और खार्किव जैसे यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दागता रहेगा ताकि वहाँ उसका आतंक बना रहे।